बिहार बोर्ड के सभी छात्र और छात्राओं के लिए बहुत ही बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, किसको मिलेगा ग्रेस अंक और किसको नहीं मिलेगा, आज की इस वीडियो में सभी स्टूडेंट्स को बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने लिया बहुत ही बड़ा फैसला। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स को ग्रेस अंक नहीं मिलेगा, ध्यान से इस बात को नोट करें। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रेस अंक किनको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर वीडियो को पूरा एंड तक देखें। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष लगातार स्कूल कॉलेज बंद रहने के कारण बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पाया है, जिसके चलते ग्रेस मार्क मिलने की उम्मीद बनी है। अब कितनी ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और किसको मिलेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताई गई है। चैनल पर न्यूजर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिए। आने वाली सभी जुड़ी जानकारी अपडेट भी अपडेट मिलता रहेगा। ग्रेस मार्क वाले छात्र छात्राओं को दिया जाएगा 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर तक, किसी एक या दो विषय में फेल हो रहे होंगे या किसी को 2, 4, 5 नंबर के कारण सेकंड डिवीजन हो रहे हैं तो उनको फर्स्ट डिवीजन 5 नंबर के कमी के कारण हो रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आपका फर्स्ट डिवीजन में 5 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर कम हो रहे हैं तो आपको देकर पास कर दिया जाएगा। पर किसको मिलेगा किसको नहीं, यहां जान लेते हैं। पहले तो यह बता दूं कि 5 नंबर 2 नंबर के कारण फेल हो जा रहे हैं वैसे 17 को ग्रेस अंक दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई छात्र या छात्रा जो मार्क्स मिला है या किसी एक या दो विषय में फेल है, वैसे छात्रों को 1 नंबर से लेकर 20 अंक तक ग्रेस मार्क दिया जा सकता है, ठीक है। यह ग्रेस मार्क सभी को जरूरी नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहां पर समझ लेते हैं। नियम के अनुसार क्या बताया जा रहा है कि किसी को 1 नंबर तो किसी को 5 नंबर तो किसी को 10 नंबर, ठीक है, या तो किसी को 20 नंबर तक मिल सकता है ग्रेस अंक, ओके। बिहार बोर्ड के लाखों बच्चों को इस वर्ष लगातार लोगों लगने के कारण कोरोना लगने के कारण यहाँ पर बताया जा रहा है स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान सभी बंद थे, जिसके चलते पढ़ाई में बाधित हुआ है। यहाँ पढ़ाई बाधित दिसंबर और जनवरी महीने में ज़्यादातर हुआ है, जिसके चलते क्रेस कोर्स को बहुमूल्य समय की तैयारी ना होने के कारण छात्रों को काफ़ी सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कोरोना काल में भी बच्चों को परीक्षा लिया गया है, इसको देखते हुए बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं को ग्रेस अंक दे सकती है, ठीक है। बिहार बोर्ड पिछले वर्ष भी 20 नंबर तक छात्र छात्राओं को ग्रेस अंक मिला था, यहाँ पर इस वर्ष भी मिलेगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा किसको ग्रेस अंक मिला है या नहीं मिला है, कितना मिला है, ठीक है। बिहार बोर्ड के द्वारा जब इंटर मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके बाद पता चलेगा ग्रेस मार्क मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। ग्रेस मार्क जिस विषय में मिलता है उसके सामने रेगुलेशन लिखा हुआ रहता है, ठीक है, रेगुलेशन लिखा हुआ रहता है। अगर ग्रेस मार्क में देखिए ग्रेस मार्क आपको मिलेगा तो आपको रेगुलेशन लिखा हुआ दिखने को मिल जाएगा। छात्राओं को 5 नंबर तो किसी को 20 नंबर भी ग्रेस मार्क मिलता है, ठीक है। यह नियमावली बिहार बोर्ड के द्वारा तय की गई है कि इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह सारा निर्भर बिहार बोर्ड के ऊपर करता है, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि इंटर का मूल्यांकन आज से 70% परीक्षकों ने नहीं दिया योगदान, ठीक है। यहाँ पर बता दूं कि इंटर का मूल्यांकन जो है लोगों जोरों से चल रहा है, बहुत जोरों से चल रहा है, और मैट्रिक के छात्रों का भी मूल्यांकन चल रहा है। बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर का कॉपी का मूल्यांकन 26 फरवरी से लगातार मूल्यांकन चल रहा है। पहले और दूसरे दिन 9वीं कक्षा का परीक्षा के कारण कॉपी मूल्यांकन में बाधित रहा, तीसरे दिन से लगातार दुगने तिगने रफ्तार से कॉपी का मूल्यांकन किया जा रहा है। बिहार बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि 8 मार्च तक कॉपी का मूल्यांकन किसी भी हाल में कर लेना है, ठीक है। 8 मार्च के बाद कॉपी का मूल्यांकन प्रस्ताव रिजल्ट तैयार होने पर टॉपर वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके तुरंत बाद रिजल्ट का प्रकाशन बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर कर दिया जाएगा। यहाँ पर बात करें 5वां बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक का मूल्यांकन 5 मार्च से लेकर 17 मार्च तक मूल्यांकन की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। मूल्यांकन पाली में किया जाएगा, पाली 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा, दूसरी पाली में 3 बजे से लेकर 9 बजे तक किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक का मूल्यांकन जल्द से जल्द हो रहा है, इसलिए 2 पालियों में कॉपी की जाँच चल रही है। बिहार बोर्ड की पूरी कोशिश है कि इस वर्ष मैट्रिक का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह तक दे दिया जाए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आने वाली सभी जुड़ी जानकारी टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले डाल दी जाती है। तो आप लोग फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर भी कर दो, ओके।